बोलो बोलो भारत माता की। ऐसा लग रहा है जयकारा माँ भारती का मात्र यहां से आ रहा है। जो पीछे सारी बहनें बैठी हैं या खड़ी हैं, उनकी आवाज मोदी जी तक पहुंचानी है ना, पहुंचानी है कि नहीं पहुंचानी? मोदी जी को देश को बताना है कि डायरेक्ट सेलिंग में पूरे देश में 2 करोड़ महिलाएं सम्मिलित हैं। ये वो फोर्स है, वो ताकत है जिस पर आज तक किसी की नजर नहीं पड़ी। इस ताकत की आवाज को पहुंचाना है देश के हर कोने में, मोदी जी तक पहुंचाना है। तो बोलो भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब बाबा विश्वनाथ का जयकारा पूरे देश में लग रहा है, तब वो मातृशक्ति जो अपने और अपनों के लिए मां अन्नपूर्णा से कम नहीं, वो ताकत जो परिवार का भी सृजन करती है, समाज का भी आधार बनती है, और जो इंडस्ट्री से अगर अपनी ताकत को जोड़ ले तो भारत के हर घर, हर शहर, हर राज्य के लिए लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती है। ऐसी मेरी डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की स्नेही बहने हमारी इंडस्ट्री की ताकत मातृशक्ति को, महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। वैसे मैं संजीव जी से और रेड्डी साहब से बात कर रही थी, बहनों ने मंच देखा, 4 पुरुषों के बीच में 1 महिला। और प्रवीण जी, इसीलिए चूंकि नेता लोग महिलाओं को कुर्सी नहीं दे रहे थे, मोदी ने 33% आरक्षण का बिल पारित कर दिया। तो मेरा आग्रह है संजीव जी, रेड्डी साहब, कि अगले साल जब आप ये कार्यक्रम करें तो जितने पुरुष बैठे हैं उतने ही महिलाओं को मंच पर जगह दी जाए। आप आज मुझे वादा करें कि मोदी ने संसद में 33% आरक्षण किया है, आप एसोसिएशन में 33% और फेडरेशन में 33% आरक्षण पारित करिए। आप दोनों के पास माइक है, ऐसे नमस्ते मत करिए साहब, माइक पे वादा दीजिए बहनों को। आपसे हम वादा करते हैं कि हमारी एसोसिएशन में 40% महिलाओं का योगदान रहेगा। आप मंच शेयर करेंगी, मंच शेयर करेंगी। आप नहीं, नहीं शेयर नहीं, रेजोल्यूशन पास करिए कि एसोसिएशन में पदाधिकारी 40% होंगी। आज आज ही रेजोल्यूशन पास करिए, अभिषेक जी आज ही पास कर दो। पास करेंगे 100% मैडम, 100% as you rightly told, we'll give more than that। तो आज आपके सामने वादा हो गया है कि फेडरेशन में, एसोसिएशन में 40% पदाधिकारी की सीट रिजर्व होगी महिलाओं के लिए। तो अब बोलो भारत माता की। आज हम सब जो यहां एकत्रित हुई, प्रवीण जी को मैंने यहां विशेष रूप से इसलिए रोका क्योंकि साल 2024 में जब मैंने अपने जीवन का पहला चुनाव लड़ा था तब मेरे कवरिंग कैंडिडेट का नाम प्रवीण खंडेलवाल था। उस वक्त मुझे याद है, प्रवीण जी जब मुझसे पहली बार मिले तो थोड़ा चेहरा उतरा हुआ था। मैंने कहा प्रवीण जी क्या बात है, उन्होंने कहा टिकट तो मेरी होने वाली थी, कट के आपको मिल गई। लेकिन साथ ही मुझे संबोधित करते हुए कहा कि आपको मैंने बहन माना है, इसलिए भाइयों की फितरत यह होती है कि अगर बहन को कुछ मिल जाए तो भाइयों को एतराज नहीं होता। मैंने 20 साल पहले प्रवीण खंडेलवाल से कहा कि बहनों की भी फितरत होती है कि भाई अगर कुछ दे आशीर्वाद में तो हम दुगना वापस करते हैं, और आज चांदनी चौक उसी सीट के कैंडिडेट के रूप में आपके सामने प्रवीण खंडेलवाल उपस्थित है।
मैं ये नहीं कहूंगी हिसाब बराबर, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि जब समाज में महिला हो या पुरुष, संस्कार की भावना से समुदाय की ताकत को समझते हुए राष्ट्र के उत्थान के लिए जब हम सब इकट्ठा होते हैं तब वो कर गुजरते हैं जो वर्षों वर्षों तक लोगों को असंभव लगता है। यह मंच आज सजा ताकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सब मना पाए। यह मंच आज सजा इसलिए ताकि हम आपकी फेडरेशन और एसोसिएशन के माध्यम से मातृशक्ति को नमन कर पाए, लेकिन आज ये मंच उस शक्ति को एसोसिएशन में पदाधिकारी का भी दर्जा देने का एक मुश्त निर्णय लेती है। ये औरत की ताकत है। लेकिन मंच से तो एक वादा मैंने ले लिया, अब एक वादा बहनों से लेना है। प्रवीण जी, आप तो संतोष कर रहे हैं कि हम लखपति दीदी ही ठीक हैं, सही है ना? कितनी लखपति दीदी बैठी हैं यहां पे बताओ। अब मैं आपसे कहना चाहती हूं, क्या अगले 5 साल में जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम विश्व की तीसरी बड़ी सबसे इकोनॉमी बन जाएंगे, तब क्या हम सब यह संकल्प कर सकते हैं कि एसोसिएशन और फेडरेशन और कैट के सौजन्य से ये लखपति दीदी अगले 5 साल में करोड़पति दीदी बन जाएंगे? क्या ये वादा कर सकते हैं? क्या ये काम कर सकते हैं? क्या ये संकल्प ले सकते हैं? क्या मोदी जी से कह सकते हैं कि आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए सपना देखा कि वो लखपति दीदी बन जाएंगी, आज कैट और आपकी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया की एसोसिएशन ऑफ फेडरेशन ये संकल्प लेती है कि हमारी लखपति बहन आगे 5 साल में जब हिंदुस्तान तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा तब ये बहन करोड़पति दीदी बन जाएगी? आज ये संकल्प लेने का दिन है। अगर आपको करोड़पति दीदी बनने का संकल्प मंजूर है तो छोटी छोटी मैं मोबाइल पे लाइटें देख रही हूं, इसका मतलब 1, 2, 3, 4 करोड़पति दीदी होंगे। अगर सबको मंजूर है तो अपने मोबाइल पर लाइट जलाकर फेडरेशन और एसोसिएशन को दिखा दो कि मेहनत करने के लिए बहनें तैयार हैं। अब फेडरेशन कैट को एसोसिएशन को आगे बढ़कर इस लखपति बहन को करोड़पति दीदी बनाना है। बनना है, बनना है, बनना है। तो ये आज 2 यहां पर संकल्प हुए, 1 एसोसिएशन और फेडरेशन में महिलाओं के लिए 40% की सीटें आरक्षित, दूसरा आज से 5 साल बाद मैं नहीं जानती मैं कहां हूं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि मैं और प्रवीण खंडेलवाल और भरतिया जी इस संकल्प के साक्षी हैं जितना मैं भरतिया जी और प्रवीण खंडेलवाल को जानती हूं। एक बार जबान दे दी तो फिर अपने आप से भी नहीं मुकरते। तो 5 साल बाद जगह यही, संकल्प वही और लौटे हम करोड़पति दीदी और 40% महिला पदाधिकारी इस मंच पर इस संकल्प के साथ लौटे। पक्का, पक्का, पक्का। तो इसका प्लान क्या होगा, कार्य पद्धति क्या होगी, मेरा ये आपसे अनुरोध है रेड्डी साहब और संजीव जी कि आप इसका फ्यूचर पाथवे बनाइए। प्रवीण जी तो चुनाव में व्यस्त होंगे, लेकिन चुनाव के बाद हम सब उपलब्ध होंगे कि आप जो राह दिखाना चाहते हैं जिस पर लखपति दीदी चल के करोड़पति दीदी बन जाए, उस राह को
उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सब अपना योगदान देंगे, ऐसी आवाज बनकर उभरेंगे कि लखपति दीदी से करोड़पति दीदी के लक्ष्य तक जब पहुंचेंगे तो हमारे देश के यशस्वी प्रधान सेवक से कहेंगे कि आप आकर अपना आशीर्वाद दीजिए, हमने संकल्प लिया और हम उस संकल्प पे खरे उतरे। आज इस विशाल मातृशक्ति के समूह को मात्र चार बातें और कहती हूं। हमारे राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 11 करोड़ गरीब बहनों के लिए शौचालय बना। ये शायद उनको समझ ना आए जिन्होंने जीवन में कभी भी आर्थिक चुनौती नहीं देखी कि एक गरीब अंचल में एक औरत को सूर्यास्त का अंधेरे का इंतजार करना पड़ता ताकि वो खुले में शौच कर सके, ये पीड़ा कोई पुरुष नहीं समझ पाएगा। 11 करोड़ टॉयलेट बने 10 साल में, 30 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए महिलाओं को 10 साल में, नई शिक्षा नीति में बेटियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई, 70 साल में पहली बार पीएचडी करने वाली महिलाओं की संख्या 99% बढ़ी, पहली बार देश की थल जल और वायु सेना में महिला को परमानेंट कमीशन मिला ताकि देश की सरहद पर मां भारती की रक्षा करने के लिए महिलाएं भी तैनात हो, पहली बार हमारी बेटियों को सैनिक स्कूल में भर्ती होने का मौका मिला, पहली बार इसरो जब चांद पर गया तो महिला टीम थी, मार्स पर गया तो महिला टीम थी, जब सूर्य का भी रिसर्च करना था तो महिला शक्ति ने इसरो में भी अपना जोहर दिखाया, पहली बार 9 करोड़ महिलाओं को 8 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप में दिलाया, ये सब पहली बार हुआ है। ये इतिहास मोदी ने रच दिया, अब इतिहास आपके रचने की बारी है। संजीव जी, आपने कहा वीडियो दिखाओ मोदी जी को। संजीव जी आप और रेड्डी साहब नीचे आओ भरतिया जी के साथ। इन्होंने कहा मोदी जी को वीडियो दिखाना है, कहा है ना, तो इन्होंने कहा है मोदी जी को वीडियो दिखाना। वीडियो करेगा कौन, आप करोगे भैया, आप करोगे, यहां से शुरू करो मोदी जी के लिए वीडियो। तो मोदी जी हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं, उसके लिए हमें अब की बार कितने पार करने पड़ेंगे, कितने पार, कितने पार। तो हम मोदी जी को क्या कह रहे हैं, हम लखपति दीदी नहीं, हम करोड़पति दीदी बनने का संकल्प ले रही हैं बहनें, करेक्ट। तो फिर मोदी जी को मैसेज तो सिर्फ मोदी का नाम लेके ही दे पाएंगे, वरना पता कैसे चलेगा मैसेज प्रवीण खंडेलवाल के लिए कि मोदी जी के लिए है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी को अगर मैसेज देना है, कैमरा वहां भैया, शक्ति वहां खड़ी है, यहाँ तो शक्ति की भक्ति खड़ी है, वहां शक्ति खड़ी है। तो अगर नरेंद्र भाई को यहाँ पर कोई कैमरा के माध्यम से मैसेज दे रहे हैं तो नरेंद्र भाई को एक ही आवाज हम एक ही स्वर में देंगे, बोलेंगे धारा 370 हटाने के लिए आभार, बोलेंगे 33% आरक्षण देश की संसद में पारित करने के लिए आभार, और 500 साल बाद राम लल्ला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है उसके लिए भी, उसके लिए भी आभार। और इसलिए आभार की इस मुद्रा में मां भारती के चरणों में नमन करते हुए मोदी जी को कहें जय श्री राम और भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी को जय श्री राम।